डॉक्टर विनीत पूनिया हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य नियुक्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एवं अतिरिक्त संचार के प्रभारी डॉक्टर विनीत पूनिया को हरियाणा के आगामी चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर पूनिया को हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति का राजनीतिक मामलों की समिति का सदस्य नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति से फतेहाबाद में उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र में डॉक्टर विनीत पूनिया को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों में समिति में शामिल किया गया है और चुनाव समिति में पहले 24 सदस्य और राजनीतिक मामलों में समिति में 51 सदस्य शामिल थे। फतेहाबाद के रहने वाले डॉक्टर विनीत पूनिया का कद पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। याद रहे कि वर्ष 2017 में उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संचार विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी थी। इस जिम्मेदारी को उन्होंने 5 साल तक बखूबी निभाया। उनके बेहतरीन कार्य को देखते हुए उन्हें वर्ष 2022 में कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और आंतरिक संचार विभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया। वर्ष 2023 में उन्हें AICC सदस्य चुना गया था और वे मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उनके गिने चुने प्रस्तावकों में शामिल थे। डॉक्टर पूनिया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर भारत में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर मीडिया प्रबंधन का अहम जिम्मा भी संभाल रहे हैं। फतेहाबाद में उठकर किसी राष्ट्रीय दल के अहम भूमिका निभाकर देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले डॉक्टर पूनिया पहले व्यक्ति हैं। उनका परिवार पिछले 3 दशक से समाज सेवा और फतेहाबाद की राजनीति में लगातार सक्रिय है। अब हरियाणा चुनाव समिति और राजनीति मामलों में समिति का सदस्य नियुक्त होने पर उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। डॉक्टर विनीत पूनिया कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आसाम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने पर अधिकारियों से जा टकराए। उनका यह वीडियो भी जबरदस्त वायरल हुआ है। देखें यह रिपोर्ट। सर, व्हाट इज द इशू? व्हाट इज बीइंग डन? व्हाई आर यू डूइंग इट? व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग अस? शो मी योर पेपर। शो मी योर पेपर। व्हेयर इट इज रिटन? It's a shameful nonsense. You can do puja. You don't follow the rule of law. Rule of law is there. You are not above the law. Can you stop the media? This is too much. ये ऐसे कोई मैं नहीं देखा है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, लोकतंत्र है। आप पार्टी के वर्कर हैं क्या? शासक और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए आप लोग। कार्यकर्ता भी होता तो ठीक है, पूरा गुलामी चल रहा है। छोड़ दीजिए नौकरी, कमल का निशान पहन लीजिए। घटियापन कर रहा है हेमंत विश्व शर्मा, घटियापन पे उतर आया। ये क्या तरीका है? अगले जगह पे उसका भाई खुद IPS। भगवान पर किसी का अधिकार नहीं है, भगवान सबका है। कुछ शर्म करो। कांग्रेस बैनर फाड़ते हैं, भगवान को भी एक तरह से एक तरफ बना दिया। क्या है ये? बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये धर्म के खिलाफ है, ये अन्याय और धर्म के खिलाफ है पूरी तरह से। धर्म विरोधी गतिविधि है, ऐसी सरकार की बहुत निंदा करते हैं। क्या ये देश में ये हो क्या? बहुत गलत हो रहा है ये। ये क्यों रोका जा रहा है, कोई बताएगा? मंदिर नहीं जा सकती है जब तक मोदी